हाय गाइज, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले एक यंग कंपनी का बैडमिंटन रैकेट जो कि है वाई फ्लैश आई स्पीड। इसके साथ साथ आपको एक किट बैग भी देखने को मिलता है जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। एंड इस किट बैग में कितने सारे सामान आ सकते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड, मैं वो भी डाल के बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शौर्य, चैनल का नाम है हाईटेक बैडमिंटन एंड हम इस चैनल पे बैडमिंटन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैडमिंटन रैकेट से। उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी क्लिप्स दिखा देता हूँ इस रैकेट की। सबसे पहले इस रैकेट के लुक वाइज की बात करें तो काफी सारे डिफरेंट कलर इस रैकेट में यूज हुए हैं। एंड ये मॉडल आपको दो कलर में देखने को मिल जाएगा, वाइट ब्लू जो कि हमारे पास है जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड दूसरा है ब्लैक ग्रीन जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। सो गाइस, रैकेट के डिजाइन की बात करें तो थोड़ा सा रोबोटिक वाला डिजाइन हमें देखने को मिलता है इस रैकेट में, वो चाहे इसका शाफ्ट हो गया या फ्रेम हो गया। इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर वाला फील देता है ये रैकेट। एंड अगर आप इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखोगे इसके रैकेट के फ्रेम को या शाफ्ट को, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलेंगे रैकेट में, वो चाहे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया, जो ओवरऑल रैकेट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो चलिए मैं आपको रैकेट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। तो जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है अल्ट्रा हाई मॉडुलस कार्बन ग्रेफाइट विच हैज अ हायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रॉपर्टी। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो 302 mm हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि एक हेड हेवी टाइप का बैडमिंटन रैकेट है, मैंने मोस्ट ऑफ द रैकेट का जो वेट है उसके हेड पे शिफ्टेड है। तो जिनको काफी स्मैशेस खेलना पसंद है उनके लिए काफी बढ़िया रहेगा ये रैकेट। साथ ही साथ इसके फ्रेम के टॉप में भी यहाँ लिखा है हेड हैवी। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप हमें देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो। इसका एडवांटेज ये आपको बिगर स्वीट स्पॉट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओवल शेप। इस रैकेट की खासियत बात है इसका हेक्सागोनल फ्रेम। इस प्राइस रेंज में ऐसा टाइप का फ्रेम मिलना ना के बराबर है, लाइक मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन लीनिंग के दो तीन मॉडल है वो भी हायर एंड में आपको ऐसा टाइप का फ्रेम देखने को मिलता है। सो इसके फ्रेम में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ दो रैकेट है, तो जो 98% रैकेट जो इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलता है वो सारे के सारे के फ्रेम ऐसे आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ कुछ ऐसे कुछ बना नहीं है अलग से फ्रेम में, नॉर्मली जो फ्रेम है हमारा वो ऐसे रहता है। लेकिन जो आई स्पीड का फ्रेम हमें देखने को मिलता है वो यहाँ से थोड़ा सा सरप्राइज्ड है, मैंने थोड़ा सा दबा हुआ आपको यहाँ ये देखने को मिलता है। जब आप इसको टच करोगे तो आपको यहाँ फील होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा स्टार्ट होके यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, बस यहाँ हेड में थोड़ा सा नहीं है उतना सरप्राइज्ड। तो और एक और चीज़ देखने वाली बात है कि ये जो फ्रेम है इसका, ठीक है, साइड वाला और इसका फ्रेम है, ये आपको थोड़ा सा वाइडर देखने को मिलता है। सो ऐसे टाइप के फ्रेम का एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ही अच्छा स्विंग स्पीड इस रैकेट में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब आप कोई भी शॉट खेलोगे तो आपको थोड़ा कम पावर लगाना पड़ता है, एंड जब आप शटल हिट करती है रैकेट को तो जो रैकेट का वाइब्रेशन भी है वो आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है इस रैकेट में। स्ट्रिंग टेंशन की बात करें तो आप इसमें मैक्सिमम 32 LBS तक लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 29-30 LBS से ज़्यादा ना ही लगाए तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ इसके टी जॉइंट की बात करें तो ये एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके टी जॉइंट में यहाँ यंग का लोगो बना है ब्लैक कलर का। सो रैकेट के शाफ्ट की बात करें तो आपको यहाँ शाफ्ट में रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है जो कि है वाई फ्लैश आई स्पीड। एंड यहाँ आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड जो मटेरियल यूज हुआ इसके शाफ्ट को बनाने के लिए वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स जो इंक्रीज करता है इंपैक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रैकेट। साथ ही साथ इसके शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर ले तो मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है, ग्रिप साइज G4 एंड ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट इज 84 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है। ये है हमारा हैंडल कैप, एंड हैंडल कैप में भी आपको यहाँ यंग का लोगो देखने को मिल जाएगा, यंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, एंड एक आपको होलोग्राम छोटा सा देखने को मिल जाता है इसके हैंडल कैप में। ये है रैकेट का हैंडल जिसके ऊपर ग्रिप लगी है, एंड ग्रिप के भी ऊपर आपको यंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। एंड नीचे की बात करूँ तो आपको हैंडल के नीचे भी आपको यहाँ यंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फाइनली रैकेट की प्राइस की बात कर ले तो ये आपको 2,299 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। अनस्ट्रंग रहेगा रैकेट, लाइक इसमें वायर नहीं रहेगा, आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। एंड अगर आप 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हो तो आपको ये किट बैग भी देखने को मिलता है, एंड जो कि वर्थ है। क्यों वर्थ है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम इस रैकेट को टेस्ट एंड ट्रायल कर लेते हैं, एंड ये भी बताऊंगा कि ये रैकेट किस टाइप के प्ले लुक के लिए सूटेबल रहेगा।
कुछ और इवेंट है। रैकेट को मैंने काफ़ी लोगों से टेस्ट एंड ट्रायल कराया है, सभी का फीडबैक इस रैकेट को लेकर काफ़ी बढ़िया था। एंड जो कि मैं आपको पहले ही बताया कि जो रैकेट का स्विंग स्पीड है वो काफ़ी अलग ही फील होता है क्योंकि इसके फ्रेम के कारण, साथ ही साथ आपको जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, शॉर्ट पावर है आपको थोड़ा कम लगाने पड़ेंगे एंड स्मैशेस एंड डिफेंसेस के लिए भी काफ़ी बढ़िया है ये रैकेट। तो चलिए अब हम ये किटबैग के बारे में बात कर लेते हैं एंड इस किटबैग में मैक्सिमम कितने सारे सामान आ सकते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड, मैं वो भी डाल के बताऊंगा। सो ये किटबैग मेनली आपको दो कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है, ये नेवी ब्लू एंड ब्लैक जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ आपको यंग का लोगो देखने को मिल जाएगा, उसके बाजू में यंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ कुछ व्हाइट कलर के डॉटेड पैटर्न। तो मटेरियल की बात करें, इस किटबैग को बनाने में जो यूज़ हुआ है वो पॉलिएस्टर है, साथ ही साथ ये एक वाटर रेजिस्टेंस किटबैग है। तो जब भी कभी कभार जब हम बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो पानी वगैरह गिर गया तो हमारा रैकेट वगैरह रहेगा सेफ। कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको दो मेजर कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो वन ये टू एंड फ्रंट में एक और छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ आप कुछ अपने आईडी कार्ड वगैरह हो गए, बैडमिंटन ग्रिप्स हो गए, सीजर हो गए, थेराबैंड हो गए, वो रख सकते हो। ठीक है, इसकी भी स्पेस की बात करूँ तो थोड़ा अच्छा है, यहाँ छोटा सा है लेकिन स्पेसेस है ये भी फॉर फ्रंट वाला। इसके बाद हम अपने पहले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा पहला कंपार्टमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ आप अपने रैकेट वगैरह रख सकते हो, इजीली 5 रैकेट तो आ ही जाएंगे। एंड कुशन की भी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा थिक कुशन है जिसके कारण आपका रैकेट वगैरह रहेगा सेफ। तो चलिए अब हम सेकंड कंपार्टमेंट को खोल लेते हैं, ये है हमारा सेकंड कंपार्टमेंट। चेन की क्वालिटी भी अच्छा है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है चेन की क्वालिटी भी। सो ये है हमारा सेकंड कंपार्टमेंट और यहाँ आप अपने योगा मैट हो गया, बैडमिंटन शटल कॉक हो गया, वाटर बॉटल हो गया, टी शर्ट वगैरह हो गया एंड शूज़ वो सब रख सकते हो। तो ये भी स्पेस काफ़ी अच्छा है इस किटबैग का एंड आपको किटबैग के पीछे में भी यहाँ यंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, ये पूरा ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर वाइट कलर का यंग की ब्रांडिंग एंड उसके बाजू में लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही स्ट्रैप की बात कर ले इस किटबैग की, तो आपको दो स्ट्रैप इसमें देखने को मिल जाता है, एक ही ये हैंड स्ट्रैप तो आप ऐसे पकड़ के ले जा सकते हो जब आप खेलने जा रहे हो ऐसे, एंड जो हमारा दूसरा एक शोल्डर एडजस्टेबल स्ट्रैप है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है हमारा, तो ये दोनों एडजस्टेबल है तो आपके साइज़ के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो एंड आप इसे ऐसे पहन के ले जा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है जब हम साइकिल वगैरह में जाते हैं या बाइक वगैरह में जाते हैं, स्कूटी में जाते हैं, तो हम ऐसे टंगा के ले जा सकते हैं ये किटबैग। तो जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा, दिखने में भी काफ़ी बढ़िया ये किटबैग लगता है। सो गाइस, ये किटबैग में कितने सारे सामान आ सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं डाल दिया हूँ एंड आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पहला वाला जो छोटा कंपार्टमेंट था वो है, तो इसमें आप सॉक्स वगैरह रख सकते हो, कुछ बैडमिंटन ग्रिप वगैरह रख सकते हो, कुछ आईडी कार्ड वगैरह रख सकते हो, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा थेराबैंड, तो ये हमारा पहला छोटा सा कंपार्टमेंट। उसके बाद ये है हमारा मेजर कंपार्टमेंट, ठीक है, इसमें आप बैडमिंटन रैकेट वगैरह रख सकते हो, तो आराम से ये दो दो चार और एक वहाँ पड़ा है, मैं उसको भी ले आता हूँ वैसे। एंड ये है हमारा पांचवा, आराम से 5 रैकेट तो इस रैकेट बैग में आ ही जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ बचा है, ठीक है। एंड उसके बाद है ये हमारा थर्ड कंपार्टमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी सामान, ये हमारा शू बैग, ठीक है, तो इसे भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है आपको इसी में रखना है, आप जैसे झूला वूला में भी रख सकते, पहले हम वैसे ही रखते थे। तो ये हमारा शू बैग, इसमें शूज़ आ गए आराम से, ठीक है। ये है स्किपिंग रूप हो गया, शटल बॉक्स हो गए कुछ, ये दो शटल बॉक्स, एक वाटर बॉटल हो गया एंड एक टी शर्ट वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारा स्पेस है, अभी भी थोड़ा सा बचा है तो आप ऐसे रख सकते हो। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे सामान रखना है, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। फाइनली इस किटबैग की प्राइस की बात कर ले तो ये आपको 1099 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है, लेकिन जब आप ये यंग वाई फ्लैश आई स्पीड रैकेट के साथ ही किटबैग लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो टोटली ये दोनों का कॉस्ट हो जाता है 2599 रुपीज़ के अराउंड। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो शौर्य 100 तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ ऑफ देखने को मिल जाएगा, मैं सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपको कोई भी डाउट बैडमिंटन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।